अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंधी बिरयानी बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें आप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। आज हम शान मसाले की सिंधी बिरयानी बनाएंगे। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें 1 kg चिकन चाहिए, 1 kg राइस, 250 ग्राम्स अनियन, 250 ग्राम्स योगर्ट, 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए, 200 ग्राम्स ऑयल, 5 से 6 हरी मिर्च और 1 बंच कोथमीर का पेस्ट बना लिया है हमने। यहाँ पे चावल को मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगा लिया है, कम से कम इसको आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ेंगे। चलिए अब सिंधी बिरयानी के लिए यखनी रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, उसको गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम ऑनियन फ्राई करेंगे। अभी हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्च और कोथमीर वाला पेस्ट ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून नमक डालेंगे और साथ ही हम शान का मसाला भी ऐड कर देंगे इसमें। शान के मसाले को हम तेल में अच्छे से तलेंगे। हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे और इसके साथ ही हम इसमें दही डालेंगे। हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ग्रेवी में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करके हम कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट छोड़ेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। वो हमारा चिकन रेडी हो गया, तो हम इसके साथ ही चावल की तैयारी भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कप राइस के लिए तकरीबन 4.5 ग्लास पानी लिया है और हम इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं। 1 तेज़पत्ता लिया है, 1/2 टीस्पून शाजीरा लिया है, 4 से 5 इलायची और 1 दालचीनी स्टिक ली है। और इसको पानी में डाल देंगे। हम इसको पानी में कुछ तेल के खतरे डालेंगे हम इसमें। टेबल स्पून नमक डालेंगे,
नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे। ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है और चिकन भी गल चुका है। अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे। ये हमारा बिरयानी का पानी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये हमारे चावल पक के रेडी हो चुके हैं। हमको 90% तक कुक करना है चावल को। अब हम इसको छन्नी में निकाल लेंगे। अब हम दम का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लेयर चावल डाल दिए है। अब हम इसमें इसके ऊपर अखनी डालेंगे। क्योंकि हमारा चिकन फुली कुक्ड है तो इसीलिए हम इसको लेयरिंग करेंगे। अब इसके ऊपर से हम चावल डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून असली घी डालेंगे। और इसके ऊपर से थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए चूल्हे पकने के लिए रख देंगे। अब हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, तो हम इसको देखेंगे कैसी बनी है। ये हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है।